हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे टाटा ग्रुप ऑफ शेयर्स के, लाइक टीसीएस, टाइटन, टाटा कंज्यूमर, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा एलेक्सी, टाटा मोटर्स में क्या हमें लेवल्स मिल सकते हैं आने वाले टाइम पे, और हमें कहाँ पे इन्वेस्ट लगाना अगर कोई पहले से इन्वेस्टेड नहीं है। तो विल सी ऑन चार्ट्स, विल स्टार्ट विद द जायंट टाटा कंसल्टेंसी, टीसीएस। बेसिकली TCS हमने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था कि इसने राइजिंग वेज चैनल के ऊपर अपसाइड ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट करने मतलब फर्स्ट टारगेट हिट करने के बाद, रिट्रेस करने के बाद वापस इट्स गोइंग स्ट्रांग। ओवरऑल आईटी सेक्टर इज स्ट्रांग, तो हमें अभी इसमें कुछ नहीं करना है। जो पहले से होल्डर ठीक है, अगर जिसने पहले से एंट्री नहीं की, दे कैन वेट फॉर एंट्री। अगर रिटेस्ट करने लेवल आता है, लेट्स से 3400, 35, 3450 इस जोन में आता है, तो बाय कर सकते हैं वो लोग, और विद ए स्टॉप लॉस ऑफ 3250। अगर इसके नीचे कोई क्लोजिंग होती है तो एग्जिट करना है हमें, या फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन के नीचे बेसिकली एग्जिट करना है हमें, और टारगेट ऊपर क्या हमें ट्रेंड राइड कर सकते हैं। बेसिकली जो भी मैं इस चार्ट्स में शेयर करूंगा वो सारे ट्रेंड राइडिंग के लिए है। आई विल ओनली मेंशन एग्जिट लेवल, टारगेट यू कैन चूज योरसेल्फ। राइट, टाइटन, टाइटन ब्यूटीफुल चार्ट, ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट दिस वीकली चार्ट, दिस कंसोलिडेशन फेज, ब्रेकआउट अगेन, अबाउट टू रिटेस्ट, फिर अगेन ब्रेकआउट। तो ये नॉर्मल ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड। एनी वे वी कैन ऐड नियर 1780 टू 1720, इस जोन में ऐड करना चाहिए हमें, और कोई भी क्लोजिंग मिलता है हमें बिलो 1600 तो हम एग्जिट कर सकते हैं स्टॉक से। LTP इज 1876, तो अभी हमें ऐड नहीं करना। यहाँ से अगर हमें 100-150 पॉइंट का करेक्शन मिलता है, लेट्स से अगर किसी वजह से ग्लोबल मार्केट की वजह से अगर हमें इंडियन मार्केट में करेक्शन मिलता है और ये वापस इस लेवल पे जोन में मिलता है हमें, देन वी कैन ऐड ऑन दिस टाइटन। राइट, टाटा स्टील मेटल सेक्टर्स में गिरावट देखा हमने, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद इसने गैप डाउन के बाद एक अच्छा खासा बेयरिश कैंडल फॉर्म हुआ। डेली टाइम फ्रेम है ये, क्वाइट पॉसिबली फॉलो अप सेलिंग आएगा, आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉलो अप सेलिंग। और अगर ये ट्रेंड लाइन होल्ड किया देन ओनली गुड। अगर ट्रेंड लाइन होल्ड किया 1250 1200 जोन में हम ऐड कर सकते हैं इसको। 1050 अगर कहीं क्लोजिंग बेसिस पे इसने क्लोज कर दिया, देन कंप्लीटली एग्जिट फ्रॉम द पोजिशंस। अभी हम फिर लॉन्ग टर्म ज्यादा नहीं देखेंगे, आई एम टॉकिंग अबाउट पोजिशनली और शॉर्ट टर्म प्लेयर बेसिकली। तो यहाँ पे अगर ये ट्रेंड लाइन के आसपास आता है, इट्स अराउंड 1250 1240 वाला जोन है, और टिल 1200 राउंड फिगर नंबर पे हम ऐड कर सकते हैं, एग्जिट बिलो 1050। टाटा एलेक्सी एज यूजुअल ब्यूटीफुल चार्ट, राइज हॉल्ट अगेन राइज हॉल्ट राइज हॉल्ट अगेन राइजिंग। एनी वे अगर आप ऑलरेडी पोजिशन में हो तो अच्छी बात है, अगर हम पोजिशन में नहीं हो, नई पोजिशन बनानी है, तो हम इसमें वेट कर सकते हैं। 4500 के आसपास हम ऐड कर सकते हैं, विद 4100 आपका एक और एडिंग पोजीशन हो सकता है अगर 4100 के आसपास आता है। स्टॉप लॉस आपका फाइनल जो स्टॉप लॉस है वो आपका 3500 हो जाएगा। 3500 के नीचे निकलता है देन ये लेवल आराम से शो कर सकता है, 2500 पॉइंट्स और डाउन हो सकता है, सॉरी 1000 पॉइंट्स और डाउन हो सकता है। तो बेटर इतना लंबा वेट नहीं करना है, यहाँ कहीं पे रिटेस्ट करने आता है या फिर 4500 के आसपास आता है, वी कैन ऐड पोजिशन, और इसके नीचे निकलता है तो हम निकल सकते हैं इसमें से। दैट इज टाटा एलेक्सी। टाटा कंज्यूमर्स अगेन ओवरऑल FMCG सेक्टर में बुलिशनेस आ गई है, तो हम ये देखते हैं कि ये अच्छा खासा इसने क्या किया, फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दे दिया है और टारगेट अबाउट टू कम। एनी वे अगर किसी भी रीजन से ये रिट्रेस होता है, वी कैन ऐड ओवर हेयर अराउंड 810 के आसपास अगर हमें मिलता है मौका तो ठीक है, और उसके बाद हम 740 के नीचे एग्जिट कर देंगे, और जब तक ये ट्रेंड राइड कर सकते हैं, जब तक ये ट्रेंड में चलता जाएगा। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखें इसका, तो ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। कहीं भी यहाँ पे रिट्रेसमेंट मिलता है तो हमें बाय करना चाहिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पोजिशन आर बुलिश इन दिस काउंटर। अब बात करते हैं जो तीन स्टॉक्स हैं, ये चार स्टॉक्स हमने बात की जो अच्छे बुलिश है ट्रेंड में है। अब बात करते हैं जो टाटा ग्रुप के शेयर्स है जो थोड़े से बेरिश, थोड़े से कमजोरी के संकेत दिखा रहे हैं। एक टाटा स्टील भी थोड़ी कमजोरी संकेत दिखा रहा था, बाकी TCS, टाइटन एंड टाटा एलेक्सी, टाटा कंज्यूमर, ये चार स्टॉक्स फुल ऑन बुलिश थे। टाटा स्टील में मटेरियल सेक्टर की कमजोरी की वजह से थोड़ा बहुत आया है इसमें, वी विल सी। टाटा मोटर्स एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे वीक लग रहा है, इसके कई रीजन है। एक तो ये लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक डाउन कर दिया है, और उसके बाद ये साइडवेज टू डाउनवर्ड चल रहा है। एक बड़ा बेयरिश कैंडल, हॉल्ट डाउन, एक बाउंस करने की कोशिश की, ये पहले सप्लाई जोन था, सी दिस सप्लाई जोन,
दिस वॉज द सप्लाई जोन ऑफ 350 अराउंड, 350 का जोन था, 350 360 का सप्लाई जोन था। फिर यहाँ पे फॉल आया हमें। अब जो रिसेंट सप्लाई जोन हमारा फॉर्म हो चुका है दैट इज अराउंड 305 टू 315 का, 305 315 का एक जोन है जो सप्लाई जोन है। ये जब तक ब्रीच नहीं करता है तब तक हम ये सोच सकते हैं कि ये कोई भी बाउंस आएगा तो ये सोल्ड ऑफ हो जाएगा। अगर ये होल्ड कर लिया 355 360 वाला जोन तब तो ठीक है, नहीं होल्ड कर पाया तो स्ट्रेट अवे 200, तो 50 पॉइंट्स का फॉल आराम से दिख रहा है आपको। 250 255 ये जोन है जो 5-10 पॉइंट ऊपर नीचे का ठीक है, एनी क्लोजिंग बिलो दिस ऑलरेडी। ये आप अगर वीकली चार्ट में भी देखोगे इसको तो आपको क्लियर पता चलेगा कि सी दिस वीकली चार्ट, ये बड़ी वाइड रेंज कैंडल के बाद स्मॉल स्मॉल रेंज कैंडल, अगेन अप्रोचिंग टुवर्ड रेजिस्टेंस, स्मॉल रेंज कैंडल, फिर ये एक अच्छा खासा सेल ऑफ। तो यहाँ पे जो एक अच्छा खासा वेल एस्टेब्लिश सप्लाई जोन जो बन चुका है उसके बाद सेल ऑफ, अगेन हॉल्ट, अगेन इज ट्राइंग टू बी अ सेल ऑफ। एक जो वीकली क्लोजिंग भी मिली वो हमें बैड मिली, क्योंकि अभी पिछले 4-5 वीक में सबसे लो क्लोजिंग मिला। ये दिस वॉज द लास्ट वीक जो हमें क्लोजिंग मिली थी 294 अराउंड, उसके बाद वीकली क्लोजिंग इतनी बुरी नहीं मिली जो कल वाली लास्ट वीक की मिली हमें। तो मैं एक्सपेक्टिंग कि इसमें थोड़ा सा स्लाइड होगा, एक नॉर्मल पुल बैक छोटा मोटा आ सकता है, बट स्लाइड अल्टीमेट एक सपोर्ट जोन के आसपास आ सकता है। तो ये 255 लास्ट हो बन रहा है, उसके नीचे 200 आ जाएगा। तो लॉन्ग टर्म जो प्लेयर है वो स्मॉल स्मॉल जोन में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, 255 में थोड़ी सी क्वांटिटी, देन 200 के आसपास मिलता है तो अच्छे खास क्वांटिटी में 175 के नीचे फाइनल एग्जिट इन टाटा मोटर्स। टाटा केमिकल्स में अच्छा खासा बोले शटअप है, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद रिट्रेस्ट करने आया, रिट्रेस्ट में तो एक यहाँ पे बाइंग बन सकती है। अदरवाइज वी कैन ऐड नियर 795 टू 765, ये जो गैप है ये जोन है, और एग्जिट बिलो 730, ये जो ट्रेंड लाइन की ब्रीच करता है ट्रेंड को, अगर 750 730 जो भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन को ब्रीच करता है, वी कैन एग्जिट फ्रॉम द टाटा केमिकल्स। ये शॉर्ट टर्म से ट्रेड्स है। देन टाटा पावर, टाटा पावर में बुलिश सेटअप है, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन हो रहा है और ये बुलिश सेटअप के बाद रिट्रेस कर रहा है, एंड इट्स इट वी कैन ऐड नियर 115-110 वाला जोन, एग्जिट बिलो 90, एनी कैंडल एनी डेली कैंडल क्लोजिंग बिलो 90 विल स्टार्ट अ बेरिश फॉर्मेशन इन दिस और स्ट्रक्चरल चेंज हो जाएगा। तो वी कैन बी इन ट्रेंड टिल द टाइम इट्स अबव 90 और एड अवर पोजिशन ओवर 115-110, राइट। दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू लाइक अ वीडियो, काइंडली लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर वीडियो, थैंक यू वेरी मच।